नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की जो एक नई बुजुड़िया क्लास 10 के अंदर, जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। तो उस बुक के अंदर हम बात कर रहे थे एक नंबर पाठ की, और उसके अंदर हम बात कर रहे थे राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के बारे में। तो आज का जो हमारा पार्ट रहने वाला है, वो पार्ट रहने वाला है चार नंबर, और जो तीन पार्ट है वो मैंने पहले ही बना दिए। आप मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको इस बुक के नाम से राजस्थान का इतिहास और संस्कृति नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आपको सभी वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं में से एक सभ्यता है जिसका नाम है आर्य सभ्यता। तो आज इसी सभ्यता के बारे में हम जानने वाले हैं, जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आर्य सभ्यता से बनते हैं वो सभी आज हम क्लियर कर देंगे। बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं, तो आप भी ध्यान से वीडियो को देखना, कोई भी चीज़ मत छोड़ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आर्य सभ्यता के बारे में। तो मैंने नाम यहाँ पर लिख दिया है आर्य सभ्यता। तो सर्वप्रथम यही जान लेते हैं कि जो ये आर्य सभ्यता ये किस जिले के अंदर आती है, किस जिले के अंदर विकसित हुई थी। तो ये जो सभ्यता ये उदयपुर जिले के अंदर विकसित हुई थी। और आपको पता तो हो ही गया कि जो उदयपुर है वो राजस्थान का एक जिला है, राजस्थान के अंदर ही पड़ता है। तो ये जो सभ्यता है राजस्थान के अंदर उदयपुर जिले के अंदर विकसित होती है। और आप सोच सकते हैं कि जो प्राचीन सभ्यता में कोई भी सभ्यताएं विकसित हुई थी प्राचीन काल में, वो सभी सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे पर विकसित होती थी, क्योंकि नदी के किनारे पर उन्हें सारे सुख मिल जाते थे, सारी सुविधा मिल जाती थी जो एक मानव जीवन के लिए चाहिए। तो हम जान लेते हैं कि वो सुविधा कौन कौन सी थी। जैसे कि अगर उन्हें कोई पशु पालना है तो पशु को पिलाने के लिए पानी वहाँ पर मिल जाता था, और अगर वो कृषि करते थे तो कृषि के लिए जो जल था वो भी नदियों से मिल जाता था, उससे वो सिंचाई कर सकते थे। और अगर उन्हें पीने के लिए पानी चाहिए था तो वो वहाँ से पी सकते थे। और अगर शिकार करना था तो हम सभी को पता है जो जानवर है पानी पीने के लिए नदियों के किनारे तो आते ही थे, तो वो वहाँ पर आसानी से शिकार कर सकते थे। और नदियों के किनारे अच्छे पेड़ होते थे, वहाँ पर से वो फल ले लेते थे या खा लेते थे। तो जो प्राचीन काल में जितने भी सभ्यताएं थी वो एक नदियों के किनारे विकसित होती थी। और यह जो आर्य सभ्यता है यह भी एक नदी के किनारे विकसित हुई थी। वो नदी कौन सी है? वो नदी है आहाड़े नदी। और इस नदी का एक और नाम है जिसे आयड़ नदी भी कहा जाता है, आयड़ नदी। तो इस नदी के दो नाम है, एक तो आहड़ नदी और एक आयड़ नदी। इसके दो नाम है, आप याद रखना, कंफ्यूज मत होना कि आयड़ नदी कोई दूसरी है और आहड़ नदी कोई दूसरी है। ये दोनों एक ही नदियां हैं, बस इनका नाम थोड़ा चेंज है। तो अगर आपको जानना है कि इनका नाम कैसे चेंज है, एक नदी के कहाँ पर क्या पुकारा जाता है, तो मेरे एक पहले से वीडियो है राजस्थान की नदियाँ, उसके अंदर जाकर आप देख सकते हैं अगर चैनल के अंदर जाएंगे। तो हम बात करें आहड़ सभ्यता के बारे में। तो ये जो सभ्यता है उदयपुर ज़िले के अंदर बसी हुई है, और इसे आहड़ नदी, ये जो सभ्यता आहड़ नदी के किनारे पर बसी हुई है। तो इतनी तो इम्पोर्टेंट बातें हो गई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो ये सभ्यता पाई गई है, जो इसकी खोज की गई है, इसका उत्खनन किया गया है, तो इसके अंदर पाया गया है कि ये सभ्यता एक टीले के नीचे दबी हुई मिली थी, टीले के नीचे। और जिसे क्या कहा जाता है, जो टीला पाया गया है उस टीले को कहा जाता है धूलकोट। क्या कहा जाता है? एक धूलकोट टीला है, इस टीले के नीचे यह सभ्यता दबी हुई है। इसी कारण से लगता है कि इस सभ्यता का जो विनाश हुआ वो किस कारण से हुआ है, इसी से धूलकोट टीले के कारण हुआ है विनाश है, क्योंकि यह टीला इसके ऊपर जाकर गिर गया और फिर जितने भी लोग थे उन सभी की मृत्यु हो गई। इसी कारण से, धूलकोट के कारण से इस सभ्यता का विनाश माना जाता है। तो ये धूलकोट क्या है? धूल का अर्थ होता है मिट्टी का टीला, यानी मिट्टी का टीला धूलकोट। तो धूलकोट इसे जो एक टीला पाया गया उसे कहा जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे मैं मिटा देता हूं धूलकोट को। तो ये एक टीले के नीचे दबी हुई पाई गई है यह सभ्यता कौन सी? आर्य सभ्यता। और इसकी जो सर्वप्रथम खोज थी वो 1953 के अंदर। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था कालीबंगा वाला, उसकी तो खोज की गई थी 1952 के अंदर, अमलानंद घोष ने उसकी खोज की थी। और इसकी जो खोज की जाती है वो की जाती है 1953 के अंदर अक्षय कीर्ति के द्वारा।
तो अक्षय कीर्ति के द्वारा इसकी खोज की जाती है 1953 ईस्वी के अंदर, और जो कालीबंगा सभ्यता थी उसकी की जाती थी 1952 के अंदर। तो इसे अच्छे से याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि किस सभ्यता की किस स्थान में खोज की गई थी। तो कालीबंगा की तो की गई थी 1952 में, और इसकी गई थी 1953 ईस्वी के अंदर। इन दोनों की खोज की जाती है, एक ही साल का फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं है। और यहाँ पर जो मकान बनाए जाते थे वो मिट्टी की ईंटों के द्वारा मकान पाए गए हैं वो किसके द्वारा बनाए गए हैं, मिट्टी की ईंटों के द्वारा मकान बनाए हुए यहाँ पर पाए गए हैं। और जो ईंटें होती थी उन्हें धूप के अंदर सुखाया जाता था, तो सूर्य के धूप के अंदर उन्हें सुखाया जाता था। अब आजकल जो ईंटें होती है वो तो भट्टे के अंदर निकाली जाती है, लेकिन ये क्या करते थे, मिट्टी की जो ईंटें होती थी उन्हें धूप के अंदर ही सुखा कर क्या बनाते थे, अपना मकान बनाते थे, घर बनाते थे। तो कालीबंगा सभ्यता के अंदर भी जो मिट्टी की ईंटें होती थी उन्हें धूप के अंदर सुखाया जाता था, और फिर क्या बनाया जाता था, घर बनाया जाता था। तो आगे इसकी जो इंपॉर्टेंट बात है वो कौन सी है, वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने लायक बात है कि यहां पर जो लोगों की मृत्यु होती थी, मृतकों को आभूषण वह गहनों के साथ दफनाया जाता था। तो इसे सभ्यता की एक इम्पोर्टेंट बात है, वो क्या है कि यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस व्यक्ति के साथ कुछ गहने और कुछ आभूषण दफनाए जाते थे। ये जो गहने और आभूषण दफनाने की प्रथा है ये उस समय भी प्रचलित थी, अब तो नहीं है, लेकिन जब यह सभ्यता लगभग 4000 साल पुरानी है तो 4000 वर्ष पहले भी लोग के पास आभूषण थे और गहने थे। तो जो भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो साथ में गहने और कुछ आभूषण दफनाए जाते थे। कब्रिस्तान में जो खुदाई हुई है उसके अंदर जो लोगों का कंकाल मिला है उनके साथ कुछ गहने और आभूषण मिले, इससे पता लगाया गया है कि मृतकों की बॉडी के साथ क्या कुछ आभूषण और गहने भी दफनाए जाते थे। और यहाँ पर मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, मिट्टी के बर्तन कालीबंगा सभ्यता के अंदर भी क्या मिले थे, मिट्टी के बर्तन मिले थे, और इस सभ्यता के अंदर भी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और अब थोड़ा बोर्ड भर ही चुका है इसलिए आप इसे देख लीजिए, बाद में इसे मैं मिटा देता हूँ, आगे बात करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आपने इतनी चीज़ें समझ ली होगी, इसे मैं मिटा रहा हूँ। तो ये जो आहड़ सभ्यता है इसका एक और नाम है, एक तो आहड़ सभ्यता हो गई और इसका एक और नाम है जो क्या है, वो है ताम्रवती सभ्यता। तो इसके दो नाम है, एक तो आहड़ सभ्यता और एक ताम्रवर्ती सभ्यता। तो ताम्रवर्ती सभ्यता क्यों कहा जाता है इस सभ्यता को, तो यहाँ पर तांबे से बने औजार मिले हैं, और उपकरण मिले हैं। तो ये जो सभ्यता है इसके अंदर तांबे से बने औजार मिले, हथियार मिले, कुछ उपकरण मिले, ये तांबे के औजार मिलने के कारण इसे कहा जाता है ताम्रवर्ती सभ्यता। तो इसके दो नाम है, एक तो नाम हो गया ताम्रवर्ती सभ्यता और एक आहड़ सभ्यता। तो इसके दो नाम आप जरूर याद रखना, पूछ लिया जाए ताम्रवर्ती सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है, वो है आहड़ सभ्यता। और ये जो सभ्यता है यहाँ पर एक व्यवसाय भी था, तो वो व्यवसाय क्या है, इम्पोर्टेंट व्यवसाय है, वो है कि यहाँ पर कपड़ों की रंगाई छपाई की जाती थी, कपड़ों की रंगाई छपाई की जाती थी। इम्पोर्टेंट बात है, आहड़ सभ्यता के अंदर कपड़ों की रंगाई छपाई की जाती थी, और जो लगभग जितने भी बातें हैं वो सभी मैंने आपको बता दिए आहड़ सभ्यता से संबंधित। शायद ही कोई बात छूटी हो जो आपको मैंने नहीं बताई है, अगर कोई बात छूट भी गई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपने यह बात नहीं बताई है। तो वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना,
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगला जो पार्ट है क्लास 10 का वो लेकर आऊँ आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात कर ली आर्य सभ्यता के बारे में, और जो अगला हमारा पार्ट होगा वो होगा गिलुंड सभ्यता के बारे में। राजस्थान के अंदर एक और इम्पोर्टेंट सभ्यता है गिलुंड सभ्यता, तो अगला जो पार्ट होगा इसी सभ्यता के ऊपर हमारा रहने वाला है। तो गिलुंड सभ्यता के बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी वो वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको मिल जाए, सबसे पहले आपको पता चल जाए कि मैंने यह वीडियो अपलोड कर दिया। आपको जो सब्सक्राइब करने के बाद इधर घंटी दिखेगी, उस घंटी के ऊपर ओके करना है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।